morning, guys. I purposely took this pause. Actually, I was scared about the vlog, to make a new vlog. For this many days, I was not shooting and all, doing the stuff, what we can say, like vlogging and everything. My exams were going on, so right now I am having my vacations going on. So I was planning to go Nashik today, to meet my family and to surprise them that they don't know that I'm coming right now. So outside bahar to bahut matlab ye barish chal raha hai, to barish ki wajah se gaadi to leke jaate nahi aayega. Aur daddy ko agar pata chal gaya ki barish mein gaadi leke aa raha hai to fir bahut daantega mujhe, like they'll kill me. So right now yahan se मैं तो अभी बदलापुर में हूँ, घर में हूँ मेरे. तो यहाँ से जाते स्टेशन जाते, स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ के आई थिंक सो लाइक 2:30 बजे का मुझे ट्रेन है नासिक के लिए. तो विल गो बाय ट्रेन टुडे और फिर आगे टैक्सी कसारा से टैक्सी मिल जाएगा. तो इफ़ एनीवन नोज अबाउट कसारा, कसारा से नासिक जाते आता है बाय हाईवे, तो वहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे. फिर आगे के 2-3 दिन के ब्लॉग तो उसी पे बनेंगे, नासिक पे ही बनेंगे. कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे. नासिक में मेरा होम टाउन है, आई वॉज बॉर्न देयर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने 20 साल में वहाँ पर की है, मेरे जो स्पॉट्स हैं, मेरे यादें हैं वहाँ पर. मैं आपको दिखाऊंगा जितना मुझसे पॉसिबल होता है. और जैसे आप अगर नए हो गए या इस चैनल पर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ़ पॉसिबल यू कैन शेयर विथ योर फैमिली एंड ग्रुप ऑल्सो. So let's go for Nashik. I've already packed my bag, you have seen it. तो Nashik जाते हैं और Nashik के आज थोड़ा सा करते हैं. Nashik का जो famous चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ. आज तो ये travel vlog रहेगा, पूरा travel vlog in the sense मैं पूरा घर तक ही जाने वाला हूँ. और next upload will be like क्या बोल सकते हैं, the things I can show in Nashik to you. So let's go guys, keep watching. नेक्स्ट अपना जर्नी है, बहुत अच्छा जर्नी है. व्यूज दिखेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे. और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, 150 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं. और बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 वीडियोस में ही 150 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हमारे. और बहुत सारे करने हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन जाना है आपको, अपने को जाना है. तो लेट्स गो, नासिक के लिए जाते हैं आज. जो जा रही थी गाड़ी वो छूट गई है, क्योंकि मुझे विट्ठलवाड़ी में ये लग गया था, सिग्नल लग गया था लोकल को. तो यहाँ का जो कल्याण से ट्रेन था मेरा वो मिस हो गया है. तो आई हैव टू वेट फॉर 1 आवर नाउ, 1 घंटा भी वेट करना पड़ेगा. तो कुछ करता हूँ टाइम पास, कुछ करता हूँ. तो 2:30 बजे का गाड़ी है, तो लेट्स सी, अभी टाइम हो जाएगा घर पर पहुँचने के लिए. बहुत 1-1.5 घंटा और लेट हो जाएगा. देखते का सारा से टैक्सी मिलेगा या नहीं मिलेगा. इनका इंडिकेटर तो लग गया है अभी. जाते हैं कसारा के लिए, जाते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं जो ये होगा पूरा एडजस्ट कर लो. प्रॉपर इक्विपमेंट ना नंबर न लगाया. इसके बाद में कसारा लगेगा यहाँ पर.
लेके आता है पार्किंग के यहाँ पर। कसारा से 1.5 घंटा लगता है नासिक जाने के लिए, वहाँ से टैक्सी मिल जाएगा। यहाँ पर ही चालू है, डोर पे थोड़ा सेफ नहीं है बट थोड़ा सा करना पड़ता है, अभी यूट्यूब के लिए करना पड़ता है। तो डोंट वरी, आप लोग ये ट्राई मत करो, अच्छे हो गए तो मैं तो डिनाई करता हूँ ये करने के लिए, और पेरेंट्स लोग तो मार ही देंगे। फाइनली आई हैव रीच्ड एट कसारा। कसारा से अभी बाहर से टैक्सी मिलेगा, जाते टैक्सी देखते हैं, अभी फ्रंट सीट मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब बैठने का निकली अभी एंड में जो आता है। उतरने के बाद में राइट साइड आप जाते हो तो राइट साइड से आपको ये मिल जाएगा, टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर नया रूट बना है जो अंडरग्राउंड है अभी यहाँ। अभी टैक्सी तो मिल गया है नासिक के लिए, 100 रुपीज़ फेयर रहता है यहाँ से, 100-150 डिपेंड्स ऑन द सीज़न एंड ऑल। उनका अगर सीज़न अभी तो दिवाली है तो रश ज़्यादा रहता है तो कम ही रखते हैं रेट, मतलब ये। और यहाँ से 1.5 आवर लगता है नासिक को जाने के लिए, 60 किलोमीटर से कसारा से। तो जर्नी स्टार्ट होगा, अभी तो गाड़ी भर रही है तो गाड़ी भरेगी तभी रोड ट्रिप दिखाता हूँ मैं। टूरिस्ट मोस्ट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा है यहाँ पर, होटल्स है और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर करने लायक है, जैसे कि बंगलोज रेंटिंग रेंट पर मिलते हैं, विलास है जो वीकेंड के लिए पार्टी से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, नासिक से आते हैं लोग, और फिर जैसे कि क्राउड रहता है वीकेंड के लिए जाते हैं तो बढ़िया। ये पिकनिक पॉइंट है यहाँ पर, बावली डैम करके गए यहाँ पर, जो पिकनिक स्पॉट है बहुत अच्छा वाला पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर। और हमारे जो अंकल है, गाड़ी वाले अंकल है, वो बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब गाड़ी कहाँ पर रोक रहे हैं, कुछ वीडियो खींचना रहेगा प्रॉपर या ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छे अंकल है, एकदम सपोर्टिव है।
ये हमारे ड्राइवर अंकल है, मस्त आदमी एकदम। डेली कितने साल हो गए अभी? 17 साल हो गए यहाँ पर वो नासिक टू कसरा गाड़ी चलाते, मतलब इट इज़ लाइक हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट है उनको। फैमिली के लिए करना पड़ता है चीज़ें। वेलकम बैक। तो बहुत बड़ा जर्नी हो गया ये, आपको बहुत बेयर करना पड़ा है मेरे लिए, बहुत सारे अपने राइड्स देखे रह गए। अब अगर आप एंड तक देख रहे हो तो लाइक दे दो, और नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैं नासिक में आ गया हूँ मैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू पिक मी अप राइट नाउ, तो वो आ जाएगी मतलब लड़की, तो शी इज़ कमिंग टू पिक मी अप। फिर घर पर जाता हूँ मैं, घर का तो मैं कुछ आई थिंक तो दिखाऊंगा नहीं मैं, बिकॉज वो इट इज़ माई पर्सनल थिंग, सब सरप्राइज देना है उनको, तो रिकॉर्ड करते आएगा नहीं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू ब्लॉग। नासिक पे ही डालूंगा मैं, 2-3 चीज़ें नासिक में करनी है, 2-3 नहीं बहुत सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, फूड बहुत यहाँ का फेमस है, मिसल है, बहुत कुछ है, तो वो चीज़ें है वो भी दिखानी है। और नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दो, उतना अच्छा हो जाएगा, मेरे को सपोर्ट होगा और नई नई चीज़ें देखने मिलेगी। क्योंकि आज का जर्नी बहुत अच्छा था, थोड़ा मैंने क्विक नैप ले लिया 10 मिनट का, मैं सो गया था 10 मिनट के लिए गाड़ी में, अभी थोड़ा फ्रेश हो गया, थोड़ा येलो हो गया है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। वीडियो में येलो में दिखूंगा आपको। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, नेक्स्ट टाइम कुछ करते हैं अच्छा, और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग, एंड कीप शेयरिंग, लाइक दे दो, एक सब्सक्राइब कर दो, और घंटी का बटन है वो दबा दो, उसको जो कर जाएगा ना वो करो पर दबा दो, उसको सब्सक्राइब कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।